जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, हमारे सभी युवा साथी, खासकर जो आर्मी एग्जाम एयरफोर्स ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट केस का, उनके लिए एक अच्छी सूचना है, खुशखबरी है कि 29 मार्च 2023 को हमारे केस की सुनवाई की तारीख दे दी गई है। अभी ये तारीख टेंटेटिव डेट है। आप सभी को पता है कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जितनी कार्रवाई आप फास्ट करोगे, सबसे पहले डायरी नंबर मिलेगा, फिर अगर कोई डिफेक्ट होंगे तो डिफेक्ट, हालांकि डिफेक्ट में 15-20 दिन लगे, वो समय बर्बाद हुआ, और उसके बाद में डिफेक्ट क्लियर होते ही हमें केस नंबर मिल गया था। और मैंने बताया था केस नंबर के बाद आपको पहले टेंटेटिव डेट मिलेगी, तो वो टेंटेटिव डेट आपको 29 मार्च की मिल चुकी है। टेंटेटिव डेट का मतलब जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी अगर जिनको नहीं पता है, उसका मतलब होता है संभावित तारीख आपकी 29 मार्च है, और ये बिल्कुल फिक्स भी हो सकती है या 1 या 2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये फिक्स तारीख तो हमें सोमवार तक पता चलेगा, लेकिन आज आपको बता दिया, हो सकता है तो 29 मार्च को ही सुनवाई होगी। अब केस किसके पास जा रहा है इस चीज़ की भी आपको कन्फर्म हो जाएगा, लगभग 100% है कि चंद्रचूड़ सिंह जी के पास ही जाएगा, लेकिन फिर भी कंफर्म होगा तो सोमवार को पता चल जाएगा। अब एक ही चीज़ है, भगवान से दुआ करो, 2 या 3 दिन का जो समय है, मुद्दे को थोड़ा सा हाईलाइट करो, ताकि फैसला देने वालों को लगे कि वो कितने लोगों के लिए फैसला सुना रहे हैं और कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग सोए हैं, क्योंकि बहुत से लोग, तो जब मैं वीडियो डालता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट बोलता हूँ, तो उन पॉइंटों को कुरेदने के लिए उसके बाद ही जगते हूँ, तब तक वो सोए पड़े रहते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि बहुत से लोगों का अभी भी पता नहीं, सिर्फ यह है रविंद्र फौजी की टांग खींच रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से है और इस मुद्दे को हाईलाइट करने में उधर ताकत झोंको। बाकी छोड़ो, बच्चों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप ट्विटर में समय निकालकर जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट चंद्रचूड़ सिंह जी या CGI लिखो, हमें न्याय दो, हमने हमारी मेहनत की है, मेहनत का फल मांग रहे हैं। हालांकि सब चीज़ों को पता है, लेकिन बोलते हैं कि जब बच्चा रोता है तो ही माँ दूध पिलाती है, याद रखना। तो इस समय आपका फर्ज बनता है कि आप उस बच्चे की भांति रहो, ताकि चंद्रचूड़ सिंह जी आपको दूध पिलाएं और आपको न्याय दें, आपका आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो। ठीक है, इतनी सी मेरे पास सूचना थी, और आगे जो भी सूचना आएगी मैं देता रहूँगा। बस अब आपके पास यही है कि भगवान से प्रार्थना और मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए जो हो सकता है करो। ठीक है,